आज हम पैरेललोग्राम के बारे में समझेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल मतलब क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर यानी कि बराबर दूरी पर, ये समानांतर जो साइड्स हैं ये कहीं पर भी नहीं काटेंगी, ये इसी तरीके से आगे इसको बढ़ती रहेंगी, ये बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो जो साइड्स हैं उसकी एक दूसरे के पैरेलल होती, ए बी पैरेलल होगी डी सी के और ए डी पैरेलल होगी बी सी के, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी ये वाली साइड पैरेलल है बी सी के, है ना, जो इसकी अपोजिट साइड्स है। अपोजिट साइड्स का मतलब होता है उसके सामने की, ठीक है, आमने सामने की। तो आप इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर वन कि किसी भी पैरेलल में जो है पैरेललोग्राम में इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यानी ए बी बराबर होगी अपोजिट साइड्स, क्योंकि ए बी के सामने की डी सी डी सी के और ए डी बराबर होगी बी सी के। ठीक है, जैसे मान लिया ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये अगर 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी द अपोजिट एंगल्स, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे अपोजिट एंगल मतलब ए के सामने का एंगल सी और डी के सामने का एंगल बी, तो ए बराबर एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है अगली प्रॉपर्टी इसके डायगनल, ये जो डायगनल्स हैं इसके ये एक दूसरे को बाईसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर दूरी पे काटेंगे, यानी मान लिया हम इसको ओ पॉइंट यहाँ पे दें तो ओ डी बराबर होगा ओ बी के और ओ ए बराबर होगा ओ सी के। ठीक है, यानी द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये ए बी सी की क्वाड्रिलेटरल है, इसमें देख लें कि डायगनल्स कौन से हैं जो कि बराबर दूरी पे काट रहे हैं, ये डायगनल्स हैं डी बी ए सी डायगनल है और बी डी डायगनल है, ये जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये बराबर दूरी पर काटते हैं यानी कि बाईसेक्ट करते हैं दूसरे को। तो बाईसेक्ट करने पे क्या होगा, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के और ओ डी बराबर हो जाएगा बी ओ के या ओ बी के। ठीक है, अब मान लिया ए सी हमें टोटल 12 दे रखा है, ठीक है, तो ओ ए हो गया 6 और ओ सी हो गया 6 और ओ डी मान लिया 15 दे रखा है, तो ये 7.5 हो गया, ये भी 7.5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से डायगनल्स भी इसको इनके डायगनल्स एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं, बाईसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी चौथी प्रॉपर्टी द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, यानी ये पहले तो एडजेसेंट एंगल समझ लेते हैं क्या है। एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक के बाद एक वाला एंगल, बी ए के बाद जस्ट कौन सा है बी, है ना, तो ए और बी ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए, तो ए बी सप्लीमेंट्री होंगे यानी 180 डिग्री के बराबर होंगे, इन दोनों को जोड़ा जाएगा इन एंगल्स को तो 180 आएगा। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी और सी ये होगा एडजेसेंट एंगल, ये भी 180 के बराबर। इसी तरीके से एंगल सी प्लस एंगल डी,
बराबर होंगे 180 डिग्री के, और एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये इसकी हो गई चार प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। ठीक, तो अब ये जो इसकी प्रॉपर्टीज समझने के बाद अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और उसी से रिलेटेड फिर सम्स भी करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।